सीधी मालवा क्षेत्र में बरसात की जो फसल है तो काफ़ी नुकसान हुआ है, और मैंने आज कई गांव का दौरा किया, जैसे जगला है, हुआ है, चापलागढ़ है, चीपुर है, रिची है, कोलगाँव है, अच्छा गाँव है, बाबरी है, मियाकेड़ी है, और फिर गाडरिया है, ऐसे अनेकों गाँव का मैंने दौरा किया। उसमें ये देखने को मिला है कि सोयाबीन की फसल में काफ़ी नुकसान अफलन की स्थिति है, सोयाबीन फला नहीं है। तो ये बातें मैंने अपने दौरे में देखी। मेरे साथ में नायब तहसीलदार भी थे और कृषि विभाग के SDO भी थे, पटवारी थे। सर्वे के निर्देश प्रदेश शासन की ओर से होना है, और मैंने कलेक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा जैसे हमें निर्देश प्राप्त होते हैं जैसे हम सर्वे का काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि इसका फसल की तरफ निर्देश कराया जाए। मुझे जो देखने में आया है उसमें तो किसानों का काफ़ी कुछ नुकसान हो गया है, कोई कोई खेत तो 100% तक नुकसान हुआ है, तो काटने से भी देंगे। ऐसी स्थिति में शासन का सर्वे जरूर कराएंगे, और सर्वे कराने के बाद भी साफ होगी। यहाँ के खेतों की स्थिति बताऊँगा, किसानों के फसल नुकसान हुआ है, ये फल से निश्चित रूप से चर्चा करूँगा। कि शाम को जाके फोन पे बात करूँगा, यदि अभी नहीं हो तो फोन पे जरूर चर्चा करूँगा, और जरूरत हुई और उन्होंने मुझे बुलाया तो जाऊँगा भी। मैंने कुछ फसल उखाड़ी, उसके नमूने भी मेरे पास रखे हैं, कि वो जो पेड़ सवारी थी उसको कोई खरीद नहीं देगी। क्योंकि फसल में जब नुकसान होता है अतिवृष्टि से, सूखे से या अन्य दिल्ली के प्रकोप से, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत तो किसानों का बीमा का पैसा बैंकों के द्वारा कटाया जाता है और प्रीमियम की राशि जमा की जाती है, उससे हमारे किसान भाइयों को फसल बीमा मिलने से काफ़ी राहत मिलती है। और चूँकि चीनी मालवा क्षेत्र क्या सुनने में ऐसा आ रहा है कि मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की बीमारी है, और ऐसी स्थिति में हमारी मध्य प्रदेश सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान की भी ये मंशा है कि कोई भी किसान भाई जिनकी फसल का नुकसान हुआ है तो बीमा की राशि लेने से नहीं चुके, और इसीलिए उन्होंने जो है फसल बीमा की तारीख, प्रीमियम जमा करने की तारीख दो बार बढ़ाई है, अभी फिर उसको 21 अगस्त तक कर दिया है। इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि SDM के साथ में सारे जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, जिला सहकारी की बैंकें हैं, उनके प्रतिनिधियों को, उनके बैंक मैनेजर को बुलाकर ये उनको निर्देश देना बहुत ज़रूरी है कि वो 31 अगस्त के पहले पहले हमारे सभी किसान भाइयों के, जिनके KCC के खाते हैं या जिनके जिला सहकारी बैंक के खाते हैं, वो फसल बीमा की प्रीमियम की राशि शीघ्र जमा कर दें, ताकि हमारे सभी किसान फसल बीमा की राशि लेने से नहीं। कई बार ऐसा होता है कि प्रीमियम की राशि जमा नहीं होती है, उसकी वजह हमारे किसान भाइयों को फसल बीमा की राशि नहीं है। इसलिए समय के पहले ये निर्देश देना जरूरी मैंने समझा, और किसी समय में ये कहना।
हटी गई थी। सारे बैंक के मैनेजर आए थे, सभी ने सहयोग किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसी तरह हम प्रीमियम की राशि जमा करेंगे।